हमारा भारत शुरू से ही अध्यात्म, आयुर्वेद, योग एवं विभिन्न शक्तियों से परिपूर्ण रहा है। इसमें मुख्य भूमिका उस क्षेत्र में कुशल गुरु निभाते आ रहे हैं, जहां आज के दौर में लोग भविष्य वर्तमान जानने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग गुरुओं के शरण में जा रहे हैं। वहीं बिहार राज्य में एक ऐसे गुरु का आगमन हुआ है जो सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत के क्षेत्र में घूम घूम कर असहाय लोगों को निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। अभी क्या हुआ आपके साथ? क्या बाबा के दरबार में आप संतुष्ट हैं? तो बाबा के दरबार में आए संतुष्ट ही के लिए। कहाँ से आई हैं आप? उत्तराखंड से। गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाले गुरु जी का कहना है कि वो किसी जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकते, और असहाय लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है उनका इलाज करते हैं। जिनकी उम्र 50 वर्ष तक का है उनकी बीमारियों को दावे के साथ ठीक करने का वादा करते हैं। मैं 24 साल से अब तक किसी से नहीं मिला, फोन पे ही सिर्फ 5 मिनट में सारी बीमारियां सही, कैसी भी बीमारी हो, जो डॉक्टरों को इलाज नहीं है वह बीमारी फोन पे ही सही। किसी से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, किसी को बुलाता नहीं हूँ, किसी के पास जाता नहीं हूँ, और ना मैं गुरुजियों की तरह रहता हूँ, जींस पैंट पहनता हूँ, आम आदमी की तरह जिंदगी काट रहा हूँ। अब मैंने ये देखा कि जब से कोरोना की बीमारी आई है जब से ज़्यादा माहौल खराब हो रहा है। हार्ट अटैक, छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक, डांस करते हुए हार्ट अटैक, रोडवेज बच्चा आ रहे हैं हार्ट अटैक। तो मैंने ये सोचा है कि अब लिखना पड़ेगा। राजस्थान के रहने वाले रोगियों को ठीक करने वाले यह गुरु जी अपने साथ मात्र एक बैनर लेकर निकलते हैं, जिस पर लिखा हुआ है जय भोले की चमत्कार को नमस्कार है। 24 साल हो गए मेरे, 24 साल से धीरे 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 पूजा करता चला गया, ज्ञान मिलता चला गया, अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, क्यों आया इस दुनिया में। इनका मानना है कि आज के युग में मानव को बचाना बहुत ही कठिन है, हर जगह डॉक्टर ने अपनी दुकान खोल रखी है। उन डॉक्टर एवं वैद्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोगी ठीक हो रहे हैं या नहीं, बस उन्हें अपने जेब भरने से मतलब होता है। इसलिए वह मानव बचाओ अभियान के तहत काम करने निकल पड़े हैं। अब मानव बचाओ अभियान तो ये कर रखा है कि मानव की बीमारियों को दूर करना होता है। गलत आज का खान पान बहुत खराब हो गया है, उल्टी सीधी खा रहे चीजें खा रहे हैं, दवाई गोलियां रिएक्शन कर रही हैं आजकल। दवाई गोलियों का कोई इलाज परमानेंट तो है नहीं, खाते रहो जब तक मरोगे जब तक खाते रहो दवाई गोलियों को, कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है कि एक साल दवाई खानी और बंद हो जाएंगे हम सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। वो अपने दरबार में पहुंचे सभी रोगियों का निशुल्क इलाज करते हैं। इनका दावा है कि कोई भी रोगी अगर इनके पास आ जाता है तो कुछ ही घंटों में उसकी हालत में सुधार शुरू हो जाता है, और एक से दो दिन में रोगी स्वस्थ भी हो जाता है। मेरा नाम सरोज कुमार है, हम हाजीपुर से हैं। हमको 2 तारीख के पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं, हम सुबह 10 बजे यहाँ आ गए थे, और हमको चलने में दोनों कुल्ला ही जाम हो गया है। पटना के जो भी डॉक्टर है सब कोई बता रहा है, औरतों के जितना डॉक्टर की ऑपरेशन करना होगा दोनों कुल्ला चेंज करना होगा। कलकत्ता रिपोर्ट भेजे, लखनऊ रिपोर्ट भेजे, चंडीगढ़ रिपोर्ट भेजे, सब कोई औरतों का जितना डॉक्टर है कि चेंज करना होगा, दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पर आए हम, बाबा हमको मतलब आशीर्वाद दिए और हम चलना शुरू कर दिए,
फिर कल होके जब एक तरफ दर्द था, फिर बाबा हमको बोले कि अब यहाँ पर एक थप्पड़ में अथी करो, आप भभूति खाएं, और हम कल साइकिल भी चलाए हैं अपने घर पर। रोग मुक्त करने वाले इन गुरुजी की माने तो यह केवल रुपये पैसे से संबंधित कार्य को छोड़कर मानव जीवन में हो रहे उथल पुथल से संबंधित सारी समस्याओं का निष्पादन करने में सक्षम है। जब भगवान नीचे भेजता है हर एक व्यक्ति को, तो जो कलयुग में भेजा है भगवान को सारी सुविधा देके भेजता है भगवान कि मेरा बेटा इस दुनिया में नीचे कलयुग में जा रहा है, तो उसके खाने के लिए सारी व्यवस्था, कार, फर्स्ट क्लास सब चीजें भेजता है, एक टिफन भेजता है बढ़िया फर्स्ट क्लास के, मेरा बेटा इस दुनिया में जा रहा है तो दुख नहीं पाए, परेशान नहीं रहे। तो उसके साथ भगवान ये भी कहता है कि मैं जो जिस काम के लिए भेज रहा हूँ उस काम को बेटा जरूर करना। तो अपन इस दुनिया में आते उस काम को भूल जाते हैं, और वो जो हमको लग्जरी लाइफ भगवान ने देखी भेजी कल जो के साथ थे उसको भी भूल जाते हैं। फिर भगवान दुख देता है, कहीं पैसा लगा दिया किसी बिजनेस में घाटा चला गया, कैंसर की बीमारी बना दी, खाते रहे दवाई खाते रहो। इनके साथ चल रहे शिष्यों ने बताया कि गुरुजी 6 अगस्त तक पटना में रुके हुए हैं, जबकि इनका अगला कार्यक्रम 7 अगस्त से 22 अगस्त तक मनीराम जी का अखाड़ा बिहार शरीफ में होगा। जितने लोग भक्त आपके पास आ रहे हैं, कुछ दूर रुकने के बाद तुरंत वो अपने पीड़ा से मुक्त हो जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? कुछ राज नहीं, अपने आप को पहचान लो, आप भी सही कर सकते। हर एक आदमी अपने आप को सही कर सकता है, अपने अंदर सारी पावर है, अपने आप को बस पहचानना है कि मैं कौन हूं। वैसे रोगों को ठीक करने वाले गुरुजी राजस्थान के रहने वाले हैं, मगर वह भारतवर्ष के गांव एवं क्षेत्र में घूम घूम कर समाज में रहने वाले ऐसे मनुष्य जो मानसिक, शारीरिक एवं पारिवारिक असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन लोगों को अपने निशुल्क शिविर में आमंत्रण कर उनके रोगों को ठीक करने का वादा करते हैं। ओ, अच्छा लग रहा है, पहले से काफी अच्छा। वाह, तो क्या लगता है आपको कि अब आप चल पाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? क्या ये बाबा का चमत्कार है कुछ और है? बाबा जी, हम लोग पहले भी लाए हैं, बाबा एक छुट्टी बहुत दिए हैं, उसे ही बहुत आराम मिला है, बोले हैं कि ठीक हो जाए। कहाँ से आई आप? आपका क्या प्रॉब्लम था? क्या क्या लगता है, ठीक हुआ है कि ठीक हो जाएगा क्या? अपने आप को पहचानो, और जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे तो बीमारी ही नहीं आएगी। खाना पीना, पुराना रहन सहन, हम सारी चीजें को भूल चुके। पहले मटके में पानी पीते थे, अब सुबह सुबह फ्रिज का चाहिए, तो फ्रिज का पानी सुबह पियो तो नुकसान तो करेगा ही। विदेशी कल्चर को अपना रहे, सारी चीजें विदेशी खा रहे। कितना देर पहले आई थी आप? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा में क्या क्या आपको ठीक हुआ? हाथ में दर्द था और हफने लगा था, जैसे चलते थे तो हफले आ जाते थे, अब चलते तो नहीं हफले आ जाते। वैसे मैंने फोनों पे हर राज्यों में करीब करीब 10-12 राज्यों में मेरे लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, फिल्मी स्टार से लेके छोटे तक, करोड़ों में लोग हैं। मेरी शक्ल किसी ने नहीं देखा, मेरे नंबरों को जानते कि ये कोई गुरुजी है। अब मैं कुछ महीनों से लिख रहा हूँ, तो 2-3 राज्यों में लिख रहा हूँ, हरियाणा भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, MP में भी गया हूँ, बिहार आया हुआ हूँ। कहीं व्हाट्सएप पे कहीं मेरा फोटो भी नहीं है, कोई नहीं जानता। कभी जब लोग मेरे मोबाइल को करते हुए आ जाते गेट पर, तो कोई गुरु जी रहता है, तो मैं तो भैया कोई गुरु जी नहीं ये बोल देता।
बोल आप कौन हो? बोल मैं तो यहाँ दर्शन करने आया हूँ भोले बाबा का, चला जाता हूँ। काफी लोग बोलते हैं मेरे गेट पे आ जाते हैं, चले जाते हैं मोबाइल को। ए शरीर में दर्द है, शुगर, ब्लड प्रेशर, बोला बाबा ये सब ठीक कर देते हैं, कुछ दवाई नहीं लगेगा, बाबा पैसा भी नहीं लगेगा, इसी चलते आए यहाँ पर। बाबा सिर पर माथा दे हाथ रख के कुछ बोलने के लिए बोला उनको साथ पर, आ एक विभूति दिया, खाए एक ग्लास पानी पिए, बोला चक्कर लगाए, दो तीन चक्कर लगाए, वही घूम रहा है बाहर में, और तो कुछ नहीं किया पता भी, और उठ बैठ नहीं कर पाते हैं। अभी तो एक ही बार ही हुआ, अभी नहीं बता पा रहा है जो क्या होगा, भगवान जाने, उन पर भरोसा है। मैं नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है, अपने आप को पहचान लेंगे जब तो आप भी कर सकते हो। फोन पे ही बात करूंगा सही हो जाएगा, मिलने की भी जरूरत नहीं है मेरे से, ना मैं किसी से पैसा लेता। अब अपना ये पुराना खान पीन, ये दुनिया भर की सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये अगर दुनिया भर के नेट पर दुनिया भर के सिस्टम हो चुके हैं तो इनसे लोग बाग परेशान हों, चलते चलते गिर रहे हैं आज की तारीख में, रोड पे चल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं गिर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं गिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो गिर रहे हैं, नाचते हुए देख नहीं रहे आप, जगह जगह हो रहा है। हॉस्पिटलों में बच्चे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे केस मेरे पास में आ रहे हैं, हॉस्पिटलों में बच्चे हो रहे हैं, उन्हें सीधा एक एक महीना हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बाद में वो बच्चा आता है तो कुछ दिन ही हुआ आँखें और तरह की हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास केस आ रहे हैं बच्चों, जो ये नए बच्चे जनरेशन पैदा हो रही है, अजीब ही तरह का हो रहा है सिस्टम, दवाइयाँ कम खाएं ये लोग, दवाई कोई ये है नहीं है कि दवाई खाई एक महीना कोर्स लिया और बीमारी जड़ से खत्म हो गई हमारी, ऐसा हो नहीं रहा, एक टेम्परेरी इलाज है दवाइयों का, अपना ये सिस्टम खाने का पीने का जो कल्चर जो पुराना था, हमारा पहला समय था वो भूल गए लोग, इनको जगा रहा उसी सिस्टम में आए और दवाइयों को खाएं कम खाएं बंद करें, मानव जाति को इसमें जगा रहा हूँ, जागो, क्योंकि ये जितना भी आविष्कार हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के जो आज पैदा हो रहे हैं बड़ी बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं ये चाहता हूँ मेरा पुराना जो कल्चर था, पुराना वो चीज़ें थी वो दोबारा से आए।